नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉस के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कोनो नेशनल पार्क से, जहां पर दोस्तों कोनो नेशनल पार्क में और चीते लाने के लिए प्रिपरेशंस कंप्लीट कर ली गई हैं और 15 फरवरी को 12 और चीते इस नेशनल पार्क में आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर सितंबर में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इस नेशनल पार्क में 8 चीते छोड़े गए थे, जिसमें 5 फीमेल्स थे और 3 मेल्स थे, और अब इन्हीं के रीइंट्रोडक्शन प्लान के अंतर्गत 12 और चीते इस बार लाए जाएंगे और इनको इस बार साउथ अफ्रीका से लाया जाएगा, जबकि पिछली बार जो लाए गए थे वो नामीबिया से लाए गए थे। इनके इंट्रोडक्शन को लेकर पिछले हफ्ते ही साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट के साथ में एमओयू साइन हो चुका है। 15 फरवरी को 12 और चीते आपको इस पार्क में आते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें 7 मेल होंगे जबकि 5 फीमेल होंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है ग्रेट निकोबार प्लान से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के अंतर्गत जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है और वहाँ पर बनने वाले जो मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है उसके ऊपर काम स्टार्ट होता देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा इसका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान प्रिपेयर कर लिया गया है। दोस्तों ग्रेट निकोबार स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी लोकेशन इतनी ज़्यादा यूनिक है कि ये हमको मलक्का स्ट्रेट और पूरे बे ऑफ बंगाल में पूरी एक्सेस देता है कि हम यहाँ पर कुछ भी कर पाएँ। इसी के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर पिछले साल ही हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक मेगा प्लान अप्रूव किया गया था, जिसके अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपीज़ की बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगी। 75,000 करोड़ रुपीज़ में से 41,000 करोड़ इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के ऊपर स्पेंड किए जाएंगे। फेज़ वन में इसकी कैपेसिटी 4 मिलियन कंटेनर्स की होगी, जबकि ओवरऑल जब ये पूरी बनकर तैयार हो जाती है तो इसकी कैपेसिटी 16 मिलियन कंटेनर्स पर ईयर की होगी। और एक बार दोस्तों ये बनकर तैयार हो जाती है तो काफ़ी ईजिली हम सिंगापुर, कलांग, कोलंबो इस तरह के जो पोर्ट्स हैं उनसे कम्पीट कर पाएंगे। और वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट इसका ये होगा कि हमारे देश का ट्रांसशिप्ड कार्गो, जो मोस्टली 75% फॉरेन पोर्ट्स हैंडल करती हैं, वो हमारी अपनी पोर्ट ही हैंडल कर पाएगी और इसके चलते हमारी इंडियन पोर्ट्स को 200 से 220 मिलियन डॉलर पर ईयर सेव हो पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अयोध्या रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों अयोध्या रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का फेज वन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और अब इसके फेज टू के ऊपर काम स्टार्ट करने के लिए राइट्स लिमिटेड के द्वारा बिजन वाइड कर दी गई है। दोस्तों अयोध्या रेलवे स्टेशन को जैसा कि आप जानते हैं कि राम मंदिर के तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है, टोटल 620 करोड़ पीसिस के रीडेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड किए जा रहे हैं। 2017-18 में इसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया था। अभी फेज वन जिसके ऊपर 240 करोड़ पीस स्पेंड किए जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है, जिसमें 2-स्टोरी बिल्डिंग, सर्कुलेशन एरिया का डेवलपमेंट, ऐसी और कुछ चीज़ें बनकर तैयार हुई हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगले कुछ ही हफ्तों में या फिर कुछ दिनों के अंदर अंदर इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया जाना है, जबकि फेज टू जिसके अंतर्गत एक काफ़ी बड़ा प्लाजा बनकर तैयार होना है, रूफिंग, प्लेटफॉर्म इंप्रूवमेंट, एस्केलेटर्स, एलिवेटर, ऐसे काम फेज टू में होंगे और 380 करोड़ रुपीज इसके ऊपर स्पेंड किए जाएंगे। और क्योंकि अब इसके लिए बिड्स इन्वाइट की गई हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कहा ऐसा जा रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर फेज टू भी कम्प्लीट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों रेलवेज का पैसेंजर सेगमेंट इंप्रूव करने के लिए हमारी रेलवेज के द्वारा सेमी हाई स्पीड एलिवेटेड ट्रैक्स प्लान किए जा रहे हैं और इसको लेकर डिस्कशन स्टार्ट हो गई हैं। सो बेसिकली दोस्तों जैसे कि आप जानती हैं कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान इस तरह की जो कंट्रीज है, यहां पर पैसेंजर्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोस्टली जो एलिवेटेड ट्रैक्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ग्राउंड पर जो ट्रैक्स बने होते हैं उनका इस्तेमाल मोस्टली कार्गो ट्रेन्स के लिए किया जाता है। पर इंडिया में जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा केस नहीं है, हम पैसेंजर ट्रेन और कार्गो ट्रेन दोनों के लिए सेम ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम ही आप समझ सकते हैं। और इसी को डीकंजेस्ट करने के लिए हमारी रेलवेज के द्वारा डिसाइड किया गया है कि हमारे देश के जितने भी पॉपुलर रूट हैं या फिर जो कंजेशन वाले रूट्स हैं, जैसे कि दिल्ली जयपुर, मुंबई पुणे, बेंगलोर चेन्नई, दिल्ली अमृतसर, इसके अलावा 200 से 300 किलोमीटर के वो रूट जहां पर इंटरसिटी ट्रेन्स ऑपरेट होती हैं, वहां पर हमारी रेलवेज ये प्लान कर रही है कि एलिवेटेड सेमी हाई स्पीड ट्रैक्स को डेवलप किया जाए। पर किलोमीटर की कॉस्ट इनको डेवलप करने पर 150 से 160 करोड़ रुपीज़ की आएगी। हालांकि दोस्तों ये प्लान अभी काफ़ी ज़्यादा इनिशियल स्टेजेस में है, तो देखते हैं कि इसको लेकर आगे क्या अनाउंसमेंट्स या फिर क्या डेवलपमेंट होती हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है एक और रोड प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश स्टेट के PWD डिपार्टमेंट से कुल्लू नगर मंडी रोड प्रोजेक्ट को ले लिया है और अब हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनके स्तर पर इस रोड के डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगी। दोस्तों कुल्लू मनाली लेफ्ट बैंक रोड करंटली एक सिंगल लेन का रोड है, पर जैसे जैसे कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक ग्रो होता जा रहा है तो इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि इसके लिए एक और अल्टरनेटिव रूट हो। इसी के चलते लास्ट ईयर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा ये जो कुल्लू मनाली का लेफ्ट बैंक रोड है इसका अपग्रेडेशन अप्रूव किया गया था, जिसके अंतर्गत इसको 2 लेन्स में कन्वर्ट किया जाना है। 500 करोड़ पैसे इसके ऊपर स्पेंड किए जाएंगे और इसका भी 38 किलोमीटर का स्ट्रेच हमारी NHAI के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके ऊपर बहुत ही काम स्टार्ट होगा। फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, ऐसी सभी चीज़ें इसके ऊपर बनकर तैयार होंगी और नेशनल हाईवे के तर्ज पर ही इसको डेवलप किया जाएगा। DPR का काम किसी कंपनी को सौंप दिया गया है। मोस्ट प्रोबेबली अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर एक्चुअल ग्राउंड वर्क भी स्टार्ट होगा।
अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है कुछ न्यू मेट्रो पीरियड से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों पंजाब की मल्टीपल सिटीज में अर्बन कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा उनकी स्टेट में मेट्रो से रिलेटेड जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं उनकी फिजिबिलिटी स्टार्ट कर दी गई है। अगले 6-7 महीने के अंदर अंदर पंजाब में मेट्रो से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को लेकर कई सारी फिजिबिलिटीज बनकर तैयार हो जाएंगी। सो बेसिकली दोस्तों पंजाब गवर्नमेंट का प्लान है कि वो उनकी स्टेट में मेट्रो, मेट्रो लाइट, मेट्रो न्यू, इस तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करें, और इसी कारण मोहाली, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, पटियाला, इस तरह की सिटीज में इनको लेकर फिजिबिलिटी स्टार्ट कर दी गई है। ज्यादा पॉपुलेटेड और जो ट्रैफिक इट वाली सिटीज है वहां पर अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर कंसीडर किया जा रहा है, जबकि वो सिटीज जहां पर ट्रैफिक इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है वहां पर मेट्रो लाइट को कंसीडर किया जा रहा है। हालांकि कुछ प्लेसेस ऐसी भी हैं या फिर कुछ सिटीज ऐसी भी हैं जहां पर मेट्रो न्यू को भी कंसीडर किया जा रहा है। तो देखते हैं कि कौन सी सिटी में कौन सी चीज बनकर तैयार होती है। हालांकि अभी इसकी फिजिबिलिटी बनकर तैयार हो रही है, और जब वो एक बार बनकर तैयार हो जाती है तो उसी के बाद कोई फर्दर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है एक न्यू रिंग रोड से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों अंबाला रिंग रोड के फेज 2 के ऊपर भी काम स्टार्ट हो गया है, और हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसके ऊपर काम स्टार्ट करते हुए फेज 2 के लिए टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं। दोस्तों अंबाला रिंग रोड टोटल 55 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट होगा। 55 में से 15 किलोमीटर का पार्ट ऑलरेडी यहां पर एग्जिस्ट करता है, जिसको इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंक्लूड कर लिया गया है, जबकि रिमेनिंग 40 किलोमीटर का पार्ट एक ग्रीनफील्ड पार्ट है जिसको दो पार्ट में डिवाइड करके डेवलप किया जा रहा है। पार्ट वन जो कि 18.5 किलोमीटर लंबा था उसके लिए ऑलरेडी टेंडर दिए जा चुके हैं, और अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होगा। पार्ट टू जो कि 22.5 किलोमीटर लंबा होगा, अब उसके लिए भी टेंडर फ्लोट किए गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगले एक महीने के अंदर अंदर इसके लिए भी टेंडर दे दिए जाएंगे, और एक्चुअल ग्राउंड वर्क पूरे के पूरे हाईवे पर या फिर पूरे के पूरे रिंग रोड पर स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान से, जहां पर दोस्तों राजस्थान स्टेट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और बड़े स्केल पर पुश करने के लिए राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो राजस्थान में टोटल 13 इंडस्ट्रियल एरियाज को डेवलप करेंगे, और ये सभी के सभी इंडस्ट्रियल एरियाज मानेसर बठिंडा जो गैस पाइपलाइन है उसके अगल बगल डेवलप किए जाने हैं। तो सो इंडस्ट्रियल एरियाज फर्नेस बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए होंगे। महसाना बठिंडा पाइपलाइन जो कि एक नेचुरल गैस की पाइपलाइन है, ये राजस्थान स्टेट में 1334 किलोमीटर का रूट कवर करती है, जो राजस्थान स्टेट की कई सारी बड़ी बड़ी सिटीज से होकर गुजरती है, और इसी पाइपलाइन के 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 25 किलोमीटर इन तीन रेंजेस में बफर जोन क्रिएट किए जाने हैं, जहां पर सिरामिक, ग्लास, मेटल कास्टिंग, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, रिफाइनरी, स्टील, इस तरह की इंडस्ट्रीज सेटअप की जाएंगी। और इस क्लस्टर में जितनी भी तरह की इंडस्ट्रीज बनेंगी या फिर सेटअप की जाएंगी उनकी एनर्जी की डिमांड इस गैस पाइपलाइन के थ्रू कंप्लीट हो पाएगी। जयपुर, अजमेर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जोधपुर, पाली, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स को इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए सेलेक्ट किया गया है, और इनमें से कुछ एरियाज या फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तो ऐसे हैं जहां पर एक से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज बनकर तैयार होंगे। दोस्तों देखते हैं कि कब तक इनके ऊपर काम स्टार्ट हो पाता है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है एक न्यू इको पार्क से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो उनके एरिया में एक और इको पार्क का डेवलपमेंट करेंगे, और 100 एकर्स के एरिया में बनकर तैयार होगा। तो सो इको पार्क पेरनगुंदी लोकेलिटी में बनकर तैयार होगा, और इसको पहले बनाने के लिए पेरनगुंदी में जो डंप यार्ड है वहां पर पूरी की पूरी लैंड को रिक्लेम किया जाएगा, और जब वो लैंड रिक्लेम कर ली जाती है तो उसके बाद उस डंप यार्ड को एक इको पार्क के लिए सूटेबल बनाया जाएगा। कहा से जा रहा है कि मई 2024 तक लैंड को रिक्लेम कर लिया जाएगा, और उसके बाद इस इको पार्क को डेवलप करने पर काम स्टार्ट हो पाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।